आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी शिकंजा कस गया है। हरियाणा के विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ये मामला एसोसिएट जर्नल्स का को 2005 में 1982 के रेट पर जमीन आवंटन से जुड़ा हुआ है। वैसे इस मामले में हुड्डा के साथ साथ मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सभी पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मेरा क्या कहना है, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वो हम किसी डिपार्टमेंट के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं। हर एक विभाग को अपने अपने काम करने की स्वतंत्रता है। उनको लगा है कि कहीं को गड़बड़ हुई है, गलत चीज फाइल उन्होंने पाया है, उसके अंदर उन्होंने एफआईआर की है। और तो जो कोई गलत आदमी होगा जिसने कोई इस प्रकार के गलत काम किए होंगे वो आएगा, फंसेगा। तो गलत काम करने वाला फंसेगा, ये कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर।